Welcome to the Veer Mishra classes, and this is a class for the retail student, and today is the topic of the soft skill. तो देखिए दोस्तों, नाम से समझ में आ रहा है कि सॉफ्ट स्किल, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज, कहीं ना कहीं मैनर्स के ऊपर बात हो रही होगी. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉफ्ट स्किल इट इज़ अ सब हेड ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल. तो कम्युनिकेशन स्किल का ही सब हेड है सॉफ्ट स्किल, लेकिन ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का है. तो सॉफ्ट स्किल होता क्या है, पहले इसकी मीनिंग जानते हैं. तो सॉफ्ट स्किल का मतलब हो गया एक ऐसी स्किल जो आपके कम्युनिकेशन करने में हेल्पिंग करे. वो सारी स्किल्स को हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट स्किल्स. जैसे कि मैंने बताया ये आपको कि रिटेल से रिलेटेड टॉपिक है, वैसे सभी फील्ड से रिलेटेड है, कि मिली आपका सॉफ्ट स्किल जो रखा गया है, पूरा पोर्शन वो रिटेल फील्ड के लिए रखा गया है. तो सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या आता है, जब आप किसी कस्टमर से डील करेंगे, किसी मॉल में जाएंगे, किसी पर्सन से मीट करेंगे, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जब आप उसे मीट करेंगे तो आपकी जो स्किल है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो कहने का जो लहजा है, आपका उसको इम्प्रेस कर पाए. इम्प्रेस करने मतलब हो गया उसे सेटिस्फाई कर पाए किसी चीज़ के लिए. तो जब आप किसी से बात करेंगे तो कई सारी चीज़ें आती हैं जो उसको हेल्पिंग करेंगे सेटिस्फाई करने के लिए. वो सारी चीज़ें क्या हैं, इसके कई सारे सब हेड्स भी हैं सॉफ्ट स्किल के, तो उसके ऊपर बात करना चाहूँगा. तो पहला सब हेड आता है आपका बॉडी लैंग्वेज. क्या आएगा, बॉडी लैंग्वेज यानी कि पहनावा. नाम समझ में आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज यानी कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक लाइन कहना चाहूँगा. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी जो पहला इंप्रेशन होता है किसी पर्सन का कम्युनिकेशन करने से पहले, क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज यानी ड्रेसिंग सेंस. तो पहनावा का मतलब क्या होगा, पार्टी का अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, घर में अलग होता है, स्कूल्स में अलग होता है, एज ए प्रोफेशनल अलग होता है. तो ये सारे ड्रेसिंग सेंस शो डाउन करता है अलग अलग तरीके से, तो उसी से आपका पहचाना जाएगा, भैया ये ड्रेसअप सेंस स्कूल्स की है, ये यहाँ की. तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोशाक ही हमारा दर्जा निश्चित करता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हम कैसे हैं कैसे नहीं है, हमारा ड्रेसिंग सेंस ही हमें बताएगा कि कैसे क्या है. इसके साथ साथ में एक और चीज़ आती है, बिहेवियर. क्या आता है, बिहेवियर. देखिए ड्रेसिंग सेंस तो ठीक है, बॉडी लैंग्वेज तो सही है, लेकिन साथ में क्या है, बिहेवियर, यानी उसके साथ में आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. यानी फ्रेंड के साथ फ्रेंडली आपको रहना है, एज ए टीचिंग एज ए प्रोफेशनल रहना है, एज ए स्टूडेंट स्टूडेंट की तरह रहना है, एज ए पार्टी एंजॉयमेंट की तरह रहना है. तो अलग अलग तरीके में अलग अलग बिहेवियर भी होना चाहिए. अब ये तो दो चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर. तीसरी चीज़ एक आती है आपकी मैनर्स. देखिए मैनर्स कौन होता है, कि कई सारी हमारी आदतें होती हैं, जैसे हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, इट इज़ ए मैनर्स. किसी से हम किस तरह रिस्पेक्टेशन रखते हैं, किस तरह हम किसी से बात करते हैं, तो सारी चीज़ में आती है मैनर्स. कई लोग क्या करते हैं कि क्लास में एंट्रीज करते हैं तो टू इंग्लिश की आदतें होती हैं अधिकतर, तो इट्स अ बैड हैबिट्स, ठीक है ना. कई लोग क्या करते हैं, बिना ही फ्रेशली कहीं पर भी चले जाते हैं, इट्स ए बैड हैबिट्स. किसी का टू तड़ाक करके बात करते हैं, इट्स ए बैड मैनर्स. तो इस तरह की मैनर्स जो होती है बैड मैनर्स. अच्छी मैनर्स क्या है, किसी से हम बात करते हैं तो किस लहजे में बात करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, मैनर्स. बात करना, रिस्पेक्टेशन करनी, सही चीज़ किस में आती है, मैनर्स में आती है, ठीक है. तो ये तीन चीज़ें होगी. चौथी चीज़ आपकी आती है डिसिप्लिन, यानी कि आप और डिसिप्लिन मतलब हो गया कि अपने काम को हमेशा परफेक्टली रखना, टाइमली रखना. कई बार हम क्या करते हैं, टाइमली नहीं रखते, क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं अपने वर्किंग को, अपने प्रोफेशनल को, अपने किसी भी आर्टिफिशियल वर्किंग को हम क्या करते हैं, पोस्टपोन. जैसे कि हमें आज ऑफिस से कुछ काम मिला, स्कूल से कोई काम मिला, हम कहते हैं कल कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, ये सही चीज़ है, कर लेंगे तो उसी में कर लेंगे बिल्कुल. तो यानी कि हम उसे क्या करते हैं, वर्किंग नहीं करते. तो इट इज़ ए क्या है, डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन में नहीं है, ठीक है ना. तो ये सही चीज़ें क्या हुई, डिसिप्लिन का पार्ट हुआ. तो इसे हमें नहीं रखना, इसके ऊपर काम करना है, हमेशा परफेक्ट रहना. तो चार चीज़ें होगी. पांचवी चीज़ आपकी बहुत आती है, लिसनिंग स्किल. देखिए हम लोग क्या करते हैं, बात करने पे ही बात करते रहते हैं, हमें सुनने की आदत नहीं है. देखिए तो लिसनिंग स्किल कहती है कि सर आपको सुनना है, आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको स्टडी करा रहा है, तो आपको उसकी बात को सुनना है. बॉस आपके सामने बैठा है तो आपको उसकी बात को सुनना है. कस्टमर आपके पास आया तो उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है. आफ्टर आपको फिर टॉकिंग करने का मौका मिलेगा, उसके बाद फिर बोलिए. अब दुकान में कस्टमर आया नहीं, आपने बोलना चालू कर दिया, तो इट इज़ ए बैड मैनर्स. ये कहीं ना कहीं बेकार चीज़ें हैं, लिसनिंग स्किल ये नहीं कहलाती. लिसनिंग स्किल के क्या करना है, आपको लिसन करना, नाम सुनना, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हो गई. इसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी, लेकिन क्या है, पेशेंस. हमेशा क्या रखना, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है. किसी काम को सामान को दे रहे हैं या फिर कहीं पर आप मीटिंग बैठे हैं, धैर्य रखना, पेशेंस रखना है. टाइम ओवर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंस रखना है. कई बार क्या होता है, किसी हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर टाइम ओवर हो जाता है या कोई और सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें हम क्या करना है, पेशेंस रखना है हमेशा. तो हमें पेशेंस रखें तो क्या होंगे, हमारा पॉजिटिवनेस होगा. इसके बाद क्या करना है, ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मतलब हमेशा ईमानदारी रखना है, अपने वर्किंग से, अपने टाइम से, पंचुअलिटी रखनी है, ये सारी चीज़ें रखनी. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी ऑनेस्टी. चौथी चीज़ आती है आपकी हाइजीन्स.
हाइजीन्स और गेस्चर और पोस्चर्स आता आपका, यानी कि जो दिखावा होता है आपका, जो सेंस होता है, जैसे मैं कहता हूँ पार्टी का टाइम हो रहे इस तरह करके जो वर्ड्स होते हैं, इट्स आपके पोस्चर्स होते हैं, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। इसके ऊपर कहीं हमें क्या कहते हैं, क्या हो गया कि कभी छींक आ जाती है, कभी खांसी आ जाती है ना मीटिंग में ना स्कूल में, कहीं हमें जाना है तो एज ए परमिशन लेना है, ये सारी चीज़ किस में आ जाती है, हाइजीन्स में, इट्स अ क्वालिटी दैट, ठीक है। ये सारी टॉपिक्स हैं आपके, ऑलमोस्ट आपके कवर करती हैं सॉफ्ट स्किल का। एक आपका प्रोसेस आता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, 13 चैप्टर के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में अंदर दो पर्सन होते हैं, एक सेंडर एक रिसीवर। सेंडर क्या होता है, अपने मैसेज को सेंड करता है, जैसे कि आपके पास कोई कस्टमर आया तो आपका क्या है, सेंडर। आपके पास मैसेज सेंड कर रहा है, मैसेज उसके पर्सन के पास आया, आफ्टर दैट जो रिसीवर होगा उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा, लेकिन किस वे में, इसके बीच में, जैसे मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, तो क्या सोर्स है मेरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन है, तो इट्स अ सोर्स। तो कई बार हमें क्या रखना है, जब आप वो किसी से कोई बात शेयर कर रहा है एज ए कस्टमर या कोई पर्सन या कोई टीचर आपसे, तो उसको अंडरस्टैंड करना है, क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, इसी को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इसके कई सारे सोर्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, चाहे मैसेजेस हो, इट्स अ सोर्स। सेंडर एंड रिसीवर के बीच में ये सोर्स है मैसेज पहुंचाने के तरीके, ठीक है ना, इसको हमें ध्यान रख में रखना, यही आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है। और जितनी सारी ये सारी चीज़ें मैंने बताई सॉफ्ट स्किल्स से लेकर यहाँ तक कम्युनिकेशन प्रोसेस तक, इसी सारे प्रोसेस को, इन सारी चीज़ें स्किल्स को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। पूरा वाइंडअप जो मैंने अभी तक बताया आपको, ये पूरा टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो भी ये सारी चीज़ें लगेंगी, किसी फील्ड से भी हो, किसी लाइन से भी हो, ये जो टॉप सॉफ्ट स्किल के मैं टॉपिक सब हेड बताए, ये हर एक जगह पे काम आने हैं। तो इसलिए प्लीज़ फोकस कीजिए। थैंक्स।